हेलो फ्रेंड्स, दुर्गाशाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी ये पजामे बना ली थी, अब हम इस पजामे के साथ की अपनी ये कैप बनाएंगे। तो इस कैप की लंबाई फ्रेंड्स देखिए हमने बनाई है, इसकी लंबाई हमारी 8 इंच हमने इसकी लंबाई बनाई है, और इसकी चौड़ाई हमारी 6.5 सवा 6 के करीब हमारी इसकी चौड़ाई बनी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी ये कैप स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये 80 फंदे डाले हैं, 80 फंदे मैंने इसमें ये डाले हैं। अब हम इसमें अपना बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए फ्रेंड्स हम इसमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। पहला फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इसी तरीके से एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई निकाल लेते हैं। ये सिलाई फ्रेंड्स मैंने अपनी पूरी बना ली है, लास्ट में मेरा उल्टा फंदा आया है। तो अब हम इसकी उल्टी साइड है, तो पहला फंदा हमारा ये सीधा बनेगा, तो ये अगला फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। जो फंदा हमने इधर सीधा बनाया है इधर से उल्टा बनाएंगे, जो इधर उल्टा बनाया है इधर से सीधा बनाएंगे। तो इसी तरह से हम अपना ये बॉर्डर बनाते हुए एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, तो हम अपनी ये 8 सिलाइयाँ इसमें निकाल लेंगे। एक सिलाई निकाल दी है, दूसरी स्टार्ट की है, इससे अलग 6 सिलाइयाँ और निकाल लेंगे, यानी कि बॉर्डर की टोटल हम इसमें ये 8 सिलाइयाँ बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना बॉर्डर बना लिया है, इसमें मैंने 8 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। 8 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हम इसमें एक सिलाई अपनी पूरी सीधी बनाएंगे। इस तरीके से ये सिलाई पूरी सीधी सीधी बनाते हुए हम अपनी ये निकाल लेंगे, बॉर्डर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ सीधी सिलाई निकालते हुए बना लेंगे। ये सिलाई पूरी सीधी बना ली हमने, अब हम इसकी उल्टी तरफ है, तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम अपनी उल्टी बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे बनाते हुए हम अपनी ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने पूरी सिलाई अपनी उल्टी बना ली है। अब देखिए हमने अपनी 2 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, एक सीधी और एक उल्टी। अब इसमें मैंने अपना दूसरा कलर ज्वाइन कर लिया है, ये मैंने पिंक कलर लिया है। इसमें अब हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। पैटर्न के लिए फ्रेंड्स देखिए हमारे ये 80 फंदे हैं, 80 फंदों में से हम 17+1 17+1 17+1 17 इस तरीके से हम अपना ये पैटर्न डालेंगे। दोनों तरफ मेरे 4 फंदे एक तरफ आएंगे और 5 फंदे एक तरफ एक्स्ट्रा हैं, बीच में हमारा 17+1 17+1 का इसमें पैटर्न है। ये मैं 80 फंदों पर अपना ये पैटर्न बना रही हूँ। अगर आप इससे छोटी टोपी बना रहे हैं तो इसमें मेरा ये 4 बार पैटर्न डलेगा, अगर आप छोटी बना रहे हैं तो 3 बार पैटर्न डालना और साइड के फंदे आप इधर एक्स्ट्रा रख लेना। अपने इस तरफ से आप इस तरह से आप बनाओगे तो आपकी उसमें ये पैटर्न आराम से बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो इसमें मेरे पैटर्न से अलग 9 फंदे हैं, 9 फंदे एक्स्ट्रा हैं, तो 9 फंदों में से 4 फंदे मैं इधर लूँगी एक्स्ट्रा और 5 फंदे इधर। तो सबसे पहले हम अपने 4 फंदे ग्रे कलर से बना लेते हैं, 1 2 3 और एक ये 4, 4 फंदे मैंने बनाए। अब जो हम आगे 5 फंदे अपने ग्रे कलर से बनाएंगे वे भी मेरे पैटर्न के हैं, उसके बाद आगे से हम दूसरे कलर का पैटर्न करेंगे। जो 5 फंदे हैं ये भी हमारा एक एक फंदा करते हुए पैटर्न में चला जाएगा। तो 5 फंदे और यहाँ पर हम अपने ग्रे कलर से ही बना लेते हैं, 2 3 4 और एक ये 5, 5 फंदे बनाए। स्टार्टिंग के टोटल मेरे ये 9 फंदे यहाँ पर मैंने ग्रे बना लिए हैं। अब आगे पैटर्न बनाऊंगी, तो पैटर्न के लिए सबसे पहले 2 फंदे पिंक के, 3 फंदे हम ग्रे के बनाएंगे, इसके बाद फिर 2 फंदे पिंक के, और इसके बाद 11 फंदे हम ग्रे से बना लेंगे, 2 3 4 धागा साथ में लेके चलेंगे, 5 6
सात आठ नौ दस और एक ये ग्यारह, ग्यारह फंदे हमने बुने। अब दोबारा से हम अपना ये वाला पैटर्न डालेंगे, दो फंदे पिंक, फिर तीन फंदे ग्रे के, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक के। अब दोबारा से हम 11 फंदे बनाएंगे, फिर ये पैटर्न डालेंगे, फिर 11 फंदे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई में अपना पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना चार बार इसमें पैटर्न डाल लिया है, जैसे स्टार्टिंग में बनाया था ऐसे ही आगे भी करके बनाया है। अब इधर मेरे 10 फंदे हैं, इसमें से 5 फंदे मेरे एक्स्ट्रा लास्ट के हैं और 5 फंदे मेरे जो डिजाइन वाले हैं वे हैं। तो इन 5 फंदों को भी हम यहाँ पर ग्रे बना लेंगे। एक बार अपना धागा ये यहाँ पर ऐसे दबाएंगे और आगे के सारे फंदे हम अपने ग्रे से बना लेंगे। 5 फंदे ये बना लिए और जो 5 फंदे एक्स्ट्रा हैं उनको भी हम अपना इसी तरीके से ग्रे कलर का बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं, उल्टी तरफ में अब हम अपने 10 फंदों में से 9 फंदे यहाँ पर ग्रे। अब हम इसमें अपनी दूसरी सिलाई में 9 फंदे मैंने अपने ये ग्रे कलर के बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फंदे बनाने के बाद एक फंदा मेरा यहाँ पर ग्रे कलर का है। अब यहाँ पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे, 4 फंदे हम यहाँ पर ग्रे के बना देंगे, 1 2 3 और एक फंदा और आगे से, 4 फंदे बन गए, एक फंदा ग्रे कलर से, फिर दोबारा से 4 फंदे पिंक कलर से, 3 और एक आगे से 4। अब हम 9 फंदे अपने ग्रे कलर के बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9, 9 फंदे बना लिए अपने अपने ग्रे कलर से। अब हम एक फंदा इधर हमारा ग्रे कलर का है, इसे हम पिंक कलर का बना देंगे। दोबारा से अपना ये पैटर्न हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, 4 फंदे पिंक के, 4 फंदे पिंक, 1 ग्रे, 4 पिंक, 9 ग्रे, ऐसे ही हम अपनी पूरी सिलाई निकाल लेंगे। अपना पैटर्न हमने रिपीट करते हुए बना लिया है, जैसे स्टार्टिंग में बनाया था ऐसे ही यहाँ पर। अब इधर की साइड देखिए मेरे 8 फंदे बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फंदों को हम अपने ग्रे कलर का बना लेंगे आगे पूरे फंदों को। तो हम अपने ये बना लेते हैं और उल्टी साइड से भी बना कर सीधी साइड से बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से मैंने 8 फंदे अपने ये ग्रे कलर के बना लिए हैं, आगे मेरे पिंक फंदे हैं। पिंक फंदों में से पहले मैं 2 फंदे अपने पिंक कलर के ही बनाऊंगी यहाँ पर, उसके बाद एक फंदा हम ग्रे कलर का बनाएंगे, इसके बाद 3 फंदे पिंक कलर के, 2 और एक ये 3, 3 फंदे बनाए। अब दोबारा से एक फंदा ग्रे कलर का, फिर से 2 फंदे पिंक कलर के। अब इससे आगे 9 फंदे हमारे वैसे ही ग्रे कलर के बनेंगे, ग्रे कलर पर ग्रे कलर बना लेंगे यहाँ पर 9 फंदों पर। तो ये देखिए हमने 9 फंदे अपने बना लिए। अब इससे आगे जैसे हमने अपना ये पैटर्न यहाँ पर बनाया ऐसे बनाते हुए ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी पूरी बना ली है पैटर्न रिपीट करते हुए, लास्ट के फंदे भी। अब उल्टी साइड से हम अपने 8 फंदे इधर हमारे ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 फंदे हमारे इधर ग्रे के हैं, ये 9 फंदे हैं। 9 में से हम यहाँ पर 6 फंदे पहले अपने ग्रे कलर के बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 6 फंदे हमने ग्रे कलर से अपने बना लिए हैं। छः फंदे फ्रेंड्स हमने अपने ये ग्रे कलर के बना लिए हैं और पैटर्न की हमारी ये चौथी सिलाई है। 3 फंदे इधर मेरे देखिए ग्रे कलर के हैं, ये 3 फंदों में से हम पहले 2 फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे, 2 फंदे पिंक कलर के बनाए। अब इससे आगे हम दोबारा से अपने 2 फंदे ग्रे कलर के बनाएंगे, 1 और एक पिंक कलर को भी ग्रे कलर का। इससे आगे अब 7 फंदे हम अपने पिंक कलर से बना लेंगे, 2
तीन, चार, पाँच, छः और एक ये सात। सात फंदे देखिए हमने अपने पिंक कलर के बना लिए हैं। अब दोबारा से हम अपने दो फंदे ग्रे कलर के बनाएंगे, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक कलर के। एक डिब्बी का हमारा ये पैटर्न डल चुका है। अब हम इससे आगे तीन फंदे अपने ग्रे कलर के बना लेंगे। नौ फंदों में से तीन फंदे इधर चले गए हमारे, तीन फंदे इधर चले जाएंगे, बीच में तीन फंदे बचेंगे, तो तीन फंदों को हम ग्रे कलर का बना लेंगे। दोबारा से अपना ये पैटर्न हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, दो फंदे पिंक के, दो फंदे पिंक, दो फंदे ग्रे, सात फंदे पिंक, दो ग्रे, फिर दो पिंक, फिर तीन, ऐसे ऐसे ही हम अपनी पूरी सिलाई अपनी निकाल लेंगे। ये पैटर्न हमने अपनी पूरी सिलाई में डाल लिया है। स्टार्टिंग में मेरे छः फंदे ग्रे थे, इधर मेरे पाँच फंदे ग्रे बचे हैं। अब हम इसकी सीधी तरफ आए हैं। सीधी तरफ से अब हम इसमें अपने पैटर्न के जो हमारे ग्रे फंदे हैं इन्हें बना लेंगे। पाँच में से चार फंदे हमने अपने ये ग्रे कलर के बना लिए। अब यहाँ पर चार फंदे हम अपने पिंक कलर से बनाएंगे, एक, दो, तीन और एक ये चार। चार फंदे हमने पिंक से बनाए। इससे आगे आप दो फंदे ग्रे कलर के बनाएंगे, फिर इससे आगे पांच फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और एक ये पांच। पांच फंदे बनाए। अब इससे आगे दोबारा से दो फंदे ग्रे कलर के, फिर इससे आगे चार फंदे पिंक कलर के, एक, दो, तीन और एक ये चार। चार फंदे बनाए। एक पैटर्न हमारा डल चुका है। अब एक फंदा आगे हमारा ये जो तीन फंदे थे उसमें से एक फंदा ग्रे कलर का बन जाएगा। अब दोबारा से हम अपना पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, चार पिंक, चार ये हमने ये वाले पिंक बनाए, अब दो ग्रे के, फिर पांच पिंक, फिर दो ग्रे, फिर चार ये, फिर एक, ऐसे ही हम अपनी पूरी सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई हमने अपनी पूरी बना ली है पैटर्न को रिपीट करते हुए। अब हम इसकी उल्टी तरफ है और पैटर्न की हमारी ये छठी सिलाई है। तो इसमें अब हम सबसे पहले अपने ग्रे कलर के फंदों को बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार और एक ये पाँच। पांच फंदे हमने अपने ग्रे कलर के बनाए। इससे आगे अब हम दो फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, फिर एक फंदा ग्रे कलर से, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक कलर से। अब इससे आगे दो फंदे ग्रे कलर से बना लेंगे, फिर तीन फंदे पिंक कलर से, तीन फंदे बनाए हमने पिंक कलर से, अब दो फंदे फिर ग्रे कलर के, ये वाले अब दो फंदे पिंक कलर के, फिर एक फंदा ग्रे कलर का, फिर से दो फंदे पिंक कलर के। तो देखिए ये पैटर्न हमारा एक डल चुका है। अब एक फंदा आगे ग्रे है, इसे हम ग्रे कलर का ही बना लेंगे। यहाँ तक का हमारा एक पैटर्न हो गया। अब दोबारा से हम ऐसे ही रिपीट करेंगे, दो, एक, दो, दो, तीन, ऐसे ही रिपीट करते हुए पूरी सिलाई निकाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ से हमारी ये सातवीं सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स देख, सबसे पहले हम अपने जो ग्रे कलर के फंदे हैं इन्हें बना लेंगे, एक, दो, तीन और एक चार। चार फंदे हमने अपने ग्रे कलर के बनाए। अब आगे जो हमारा पिंक कलर का फंदा है इसे भी हम एक फंदे को ग्रे कलर का बना लेंगे। इससे आगे हम अपने पांच फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, दो, तीन, चार और एक ये पांच। अब आगे हमारा एक ग्रे है, इसे हम ग्रे कलर का बनाएंगे, एक फंदा और आगे से ग्रे कलर का, दो फंदे ग्रे कलर के बन गए, फिर एक फंदा पिंक कलर का, फिर दोबारा से दो फंदे ग्रे कलर के। अब दोबारा से हम अपने पांच फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, दो, तीन, चार और एक ये पांच। पांच फंदे बनाए। अब यहाँ पर हमारे तीन फंदे ग्रे कलर से बन जाएंगे, एक, दो और एक ये तीन। अब दोबारा से हमारा ये पैटर्न रिपीट होएगा, पांच,
दो, एक, दो, पाँच, तीन, ऐसे हम अपना ये पैटर्न डाल लेंगे। ये सिलाई हमने बना ली है, ऐसे ही अपना पैटर्न रिपीट करते हुए अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ से अब हमारी ये आठवीं सिलाई है, तो इसमें सबसे पहले हम अपने ग्रे कलर के फंदे बना लेंगे। देखिए इधर से हमारे ये छह फंदे ग्रे कलर के हैं, एक फंदा और आगे हम अपना ग्रे कलर का बनाएंगे पिंक कलर वाले को, फिर दोबारा से आगे हम पाँच फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और एक ही पाँच, पाँच फंदे हमने पिंक कलर के बनाए। अब हम तीन फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, तीन फंदे हमने ग्रे कलर से बनाए, फिर दोबारा से हम पाँच फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार और एक ये पाँच, पाँच फंदे हमने बनाए। अब यहाँ पर हमारे पाँच फंदे ग्रे कलर से बनेंगे, तीन, पहले हमारे तीन फंदे थे, अब यहाँ पर पाँच फंदे बन गए हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब दोबारा से हम अपना पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, पाँच पिंक फंदे बिल्कुल सेम ऐसे ही, पाँच पिंक, तीन ग्रे, पाँच पिंक, फिर पाँच ग्रे, तो अपना ये पैटर्न भी हम डाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और सीधी तरफ से मैंने अपने पांच फंदे ग्रे कलर के बना लिए हैं। अब यहाँ पर हम जो हमारा एक ग्रे कलर का फंदा है इसे हम अपना पिंक कलर का बना देंगे, एक, दो, तीन, पांच फंदे बनाएंगे, यहाँ पर भी चार और एक ये पांच, पांच फंदे हमने बनाए। अब इससे आगे हम दो फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, फिर एक फंदा पिंक कलर से, फिर दोबारा से दो फंदे ग्रे कलर से, अब दोबारा से पांच फंदे पिंक कलर से, तीन, चार और एक फंदा आगे से और लेंगे, पांच फंदे, पांच फंदे बना लिए यहाँ पर हमने। अब इससे आगे हम तीन फंदे अपने ग्रे कलर के बनाएंगे, जो हमारे पांच थे एक इधर ले लिया हमने और एक हम इधर ले लेंगे, बीच के तीन फंदे ग्रे कलर से। अब दोबारा से हम अपना पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, पाँच, दो, एक, दो, पाँच, तीन, ऐसे ये सिलाई भी निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हम सीधी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ, और ये हमारी दसवीं सिलाई है उल्टी तरफ से। अब यहाँ पर मैंने अपने पांच फंदे ग्रे के बना लिए हैं, एक फंदा यहाँ पर छोटा है, तो इस ग्रे फंदे को हम पिंक कलर का बना लेंगे। देखिए ग्रे फंदा है, तो एक फंदा तो ग्रे कलर से और एक फंदा और आगे से, दो फंदे हमने यहाँ पर पिंक कलर के बनाए, अब एक फंदा ग्रे कलर से बनाएंगे, फिर दो फंदे पिंक कलर से, फिर दोबारा हम यहाँ पर दो फंदे ग्रे कलर से बना लेंगे, दो फंदे हमने बना लिए हैं, एक फंदा और बनाएंगे, यहाँ पर हमारे दो फंदे हमने ग्रे के बनाए हैं। अब यहाँ पर आगे से आगे तीन फंदे पिंक कलर के बनाएंगे, एक, दो और एक ही तीन, दो ही फंदे हमने यहाँ पर ग्रे कलर के बनाए हैं, उसके बाद तीन फंदे पिंक के, अब दोबारा से दो फंदे ग्रे कलर के बनाएंगे, इसके बाद फिर जैसे यहाँ पर बनाया है दो फंदे पिंक के, एक फंदा ग्रे, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक के, तो ये अभी बीच में जो हमारे पांच फंदे थे उसमें से तीन बचे, अब यहाँ पर तीन में से एक बचा, एक फंदा हम ग्रे का बना लेंगे। इससे आगे फिर हम अपना ये पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, दो फंदे पिंक के, एक फंदा ग्रे, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक के, देखिए ऐसे ही दो फंदे पिंक के बनाए ये हमने यहाँ पर, फिर उसके बाद एक फंदा ग्रे का, फिर दो फंदे पिंक के, अब दो फंदे ग्रे, तीन, दो, एक, ऐसे करते हुए हम अपनी पूरी सिलाई निकाल लेंगे। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं, उल्टी तरफ से अपना पैटर्न हमने डाल लिया है, इधर से मैंने अपने चार फंदे ग्रे कलर से बना लिए हैं, अब आगे मेरे पिंक फंदे हैं, तो यहाँ से हम चार फंदे अपने पिंक कलर के बनाएंगे, एक, दो, तीन और एक चार, चार फंदे बनाए। इससे आगे अब दो फंदे हम ग्रे कलर से बना देंगे, इसके बाद पाँच फंदे पिंक कलर से, दो, तीन, चार और एक ये पाँच,
पांच फंदे बनाए। अब दोबारा से दो फंदे ग्रे के, फिर चार फंदे पिंक के, तीन और एक ये चार, चार फंदे पिंक के बनाए। एक पैटर्न हमारा डल चुका है। अब बीच का हमारा एक फंदा ये ग्रे कलर का है, इसे हम ग्रे कलर का ही बना देंगे। अब इससे आगे हम अपना पैटर्न ऐसे ही बनाएंगे, चार दो पाँच दो चार एक, ऐसे ही डालते हुए सिलाई भी निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसकी उल्टी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ मैं अपना पैटर्न डालते हुए सिलाई निकाल ली है और ये हमारी 12वीं सिलाई है। ग्रे कलर के फंदे मेरे पांच थे, मैंने बना लिए हैं। अब इससे आगे हम जो हमारे एक पिंक कलर के फंदे चार हैं, इसमें से एक फंदा ग्रे कलर का बना लेंगे और यहाँ पर अब हम दो फंदे पिंक कलर से बनाएंगे और इससे आगे अब दो फंदे ग्रे कलर से, इसके बाद सात फंदे पिंक कलर से, एक दो तीन चार पाँच छः और एक ये सात, सात फंदे हमने पिंक कलर से बनाए। इसके बाद फिर दो फंदे ग्रे कलर से और उसके बाद दो फंदे पिंक कलर से। अब इससे आगे तीन फंदे ग्रे कलर के, बीच वाला फंदा है जो, यहाँ पर तीन फंदे हो जाएंगे अब हमारे। तो देखिए एक पैटर्न हमारा ये डल चुका है। अब ऐसे ही हम आगे दो दो सात, दो दो और तीन, ऐसे ही करते हुए ये सिलाई निकाल लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम सीधी साइड आ गए हैं, उल्टी साइड से पैटर्न डालते हुए सिलाई बना ली है। यहाँ से भी मैंने अपने ग्रे कलर के फंदे बना लिए, पांच फंदे हैं। अब जो आगे हमारे दो फंदे ये पिंक कलर के हैं, इन्हें भी अब हम ग्रे कलर का बना देंगे, दो और जो दो फंदे ग्रे कलर के, इसमें से एक फंदा और यहाँ पर हम अपना ग्रे कलर का बना लेंगे। इधर अब हमारे ये आठ फंदे ग्रे कलर के हो गए हैं। अब एक फंदा हमारा ग्रे कलर का है, इसे हम पिंक कलर का बना देंगे और एक फंदा और, दो फंदे हमने पिंक कलर के बनाए। इससे आगे अब हम तीन फंदे, एक फंदा ग्रे कलर का, तीन फंदे पिंक कलर के। देखिए पहले हमने दो फंदे पिंक कलर के बनाए, फिर ग्रे कलर का एक फंदा, तीन फंदे पिंक कलर के, अब दोबारा से एक फंदा ग्रे कलर का, फिर दो फंदे पिंक कलर के। इस तरीके से हमने ये बनाए। अब यहाँ पर हमारे जो एक फंदा ग्रे दो पिंक है, इन्हें हम ग्रे कलर का ही बना देंगे, एक दो और एक ये तीन, तीन फंदे आगे हो रहे हैं, इन्हें भी हम ग्रे कलर का ही बनाएंगे। अब इस लाइन में हमारे यहाँ पर नौ फंदे ग्रे कलर से बन जाएंगे, छः, तीन फंदे और आगे लेंगे जो हमारे इस पैटर्न के हैं। देखियो इस पैटर्न के यहाँ से तीन फंदे और ग्रे कलर के बना देंगे, एक दो तीन, नौ फंदे यहाँ पर हमारे ये ग्रे कलर के बन गए हैं। अब इससे आगे हम अपना पैटर्न ऐसे ही रिपीट करेंगे, दो एक तीन एक दो नौ, फिर दोबारा से ऐसे ही करते हुए सिलाई निकाल लेंगे। अब हम इसकी उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड से मैंने अपने ये ग्रे कलर के फंदे बना लिए हैं। अब हम पैटर्न पर हैं। पैटर्न में हमारे जो दो फंदे पिंक कलर के हैं, यहाँ पर अब हम चार फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, एक दो तीन और एक ये चार, चार फंदे बनाए। अब इससे आगे एक फंदा हम अपना ग्रे कलर का बना देंगे, इसके बाद दोबारा से चार फंदे पिंक कलर के, तीन और एक ये चार, चार फंदे बनाए। अब इससे आगे नौ फंदे हमारे ग्रे कलर के हैं, तो नौ फंदों को हम ग्रे कलर का बना देंगे, तीन चार पाँच छ सात आठ और एक ये नौ, नौ फंदे हमने ग्रे कलर के बनाए। इससे आगे फिर हम अपना ये पैटर्न ऐसे ही डाल लेंगे, चार एक चार नौ, चार एक चार नौ, ऐसे करते हुए ये सिलाई भी निकाल लेंगे। अब हम दोबारा से इसकी सीधी साइड आ गए हैं। ये सिलाई भी हमने अपने उल्टी तरफ से पैटर्न डालते हुए बना ली है। तो अब हम इसमें देखिए, मैंने ग्रे कलर के फंदे अपने बना लिए हैं, चार फंदे हमारे पिंक कलर के, इसमें से एक फंदा और हम अपना पिंक कलर का बना लेंगे। अब यहाँ पर हम दो फंदे पिंक कलर से बनाएंगे, दो फंदे बनाए। इससे आगे अब हम तीन फंदे ग्रे कलर से बनाएंगे, फिर दोबारा से दो फंदे पिंक कलर से,
अब इससे आगे हमारे 11 फंदे ग्रे कलर से बनेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक फंदा और आगे से 11। 11 फंदे हमारे अब की बार ग्रे कलर से बने हैं, तो आगे भी हम अपना 2, 3, 2, 11 ऐसे ये पैटर्न बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये पैटर्न डल चुका है। ये सिलाई मैंने पूरी निकाल ली है। 15 सिलाइयों का हमारा ये पैटर्न था, तो हमारा पैटर्न डलकर तैयार है। अब हम इसकी उल्टी तरफ हैं। उल्टी तरफ से अब देखिए, जो हमारा पिंक कलर का धागा था हम साथ में लेकर यहाँ पर ले आए हैं इसको, और पूरी सिलाई अब हम ग्रे कलर से बनाते हुए निकाल लेंगे। उल्टी उल्टी बनाते हुए पिंक कलर के धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये सिलाई हम अपनी पूरी देखिए इस तरीके से, सारे फंदे ग्रे कलर के भी और ये पिंक कलर के भी इसी तरीके से बनाते हुए पूरी सिलाई निकाल लेते हैं। उल्टी सिलाई हमने पूरी निकाल ली है, और देखिए अब हम इसकी सीधी तरफ है। यहाँ तक का पैटर्न फ्रेंड्स हमारा बन चुका है। अब इससे आगे का पैटर्न हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे।